बानो भाइयो हेलो। मैंने आपसे कहा था दुरंगी शाम है आज, मुस्कुराहटें भी हैं इसमें, कुछ आहें भी हैं, और वजह इसकी यह है कि रफ़ी साहब जब गाया करते थे, थोड़ा सा खामोशी भाई, वन मिनट, रफ़ी साहब जब गाया करते थे तो हर रंग में ढल के गाते थे, चाहे ऐसा गाना हो इवनिंग इन पेरिस का या बिल्कुल मध्यम सा गम से भरा हुआ गाना हो, बहुत सुर में बड़े प्यार से बहुत डूब कर गाया करते थे। और बहनों भाइयों, फिर उनका इंतकाल हो गया, जुलाई का महीना था, 1980 का साल था। अब आपने देखा होगा कि दुनिया में जब भी कोई लीडर, जब भी कोई नेता, जब भी कोई अपने फ़न का बहुत बड़ा कलाकार इस दुनिया से चला जाता है तो एक खला की तरह से हम महसूस करने लगते हैं, एक वैक्यूम सा हो जाता है, और उस वैक्यूम को भरने के लिए, उस खला को पूरा करने के लिए बहुत सारे नौजवान उभरते हैं। रफ़ी साहब जब गए तो ख़ास तौर पर दो नौजवान उभरे, एक शब्बीर कुमार और दूसरे वो जो आज के सितारे बनकर यहाँ आपके सामने आए हैं बम्बई से। ये साहब जिनका जिक्र मैं कर रहा हूँ, बचपन से इन्होंने मोहम्मद रफ़ी के गाने गा गा कर शोहरत की तरफ, शोहरत की बुलंदियों की तरफ कदम रखना शुरू किया, और रफ़ी साहब के जाने पर इन्होंने बहुत सारा वो जो गम था रफ़ी साहब के जाने का, उसे भुलाने की अपनी आवाज़ से बहुत अनथक कोशिश की है। बहुत गज़ब के गायक, बहुत ज़ोरदार गायक मोहम्मद अज़ीज़, तालियां हो जाए। मोहम्मद अज़ीज़ न सिर्फ संगीत प्रेमियों के बड़े प्यारे हैं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के भी बड़े अज़ीज़ हैं। इतने अज़ीज़ हैं कि इन्हें सारी इंडस्ट्री मुन्ना कहकर पुकारती है। मैं मुन्ने मियाँ से, मोहम्मद अज़ीज़ से गुजारिश करूँगा कि आकर इस शाम के इस सेक्शन में मोहम्मद रफ़ी साहब को अपनी आवाज़ से याद करें, उनके कुछ गाने गाकर। अब मैं भी जाकर नीचे तुम्हें सुनता हूँ, जनता भी सुनेगी। मोहम्मद अज़ीज़ की तरफ से, मोहम्मद अज़ीज़ की आवाज़ की तरफ से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ को सलाम। आइए। आप सभी सुनने वालों को मोहम्मद अज़ीज़ का आदाब। मैं अमीन सयानी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस नाचिस को इतनी इज्जत बख्शी, ये उनकी ज़र्रा नवाजी है, मैं इस काबिल तो हूँ नहीं। और ये प्रोग्राम रफ़ी साहब के नाम से किया जा रहा है और मैं बिल्कुल उनके आगे ज़र्रा हूँ, मैं उनका आप ही की तरह एक आशिक हूँ। तो आइए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनके गाने गाकर आपका दिल बहला सकूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप पसंद करेंगे। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं, अपना लो या ठुकरा दो प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। जो दिलों के नाते हैं
नहीं जानते, बहुत बहुत शुक्रिया।